आज हम वापस आ चुके हैं विद अ न्यू वीडियो टॉपिक। एंड आज की इस वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूँ 5 टिप्स टू ग्रो योर हेयर थिकर लॉन्गर एंड फास्टर। ठीक है, मैं पिछले अपने 1 साल से अपने बाल ग्रो कर रहा हूँ थैंक्स टू कोरोना एंड बोर्ड एग्जाम्स, और उस 1 साल के एक्सपीरियंस से आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 5 टिप्स टू ग्रो योर हेयर थिकर लॉन्गर एंड फास्टर। अब जो शुरू की 2 टिप्स होने वाली है ना, वो होगी तुम्हारे हेयर के रूटीन से रिलेटेड, यानी कि तुम्हें मतलब ऑयलिंग शैम्पू इन सब के बारे में। ठीक है, जो अगली 2 टिप्स होने वाली है इनकी 3 और 4, वो होगी तुम्हारी हेयर हैबिट्स के बारे में, यानी वॉश हेयर हैबिट्स एंड बैफ हेयर हैबिट्स। एंड द लास्ट टिप विच इज गोइंग टू 5th टिप, वो होगी यार तुम्हारे डाइट, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारे नरिशमेंट के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्रिएटर, तो यार प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो और सपोर्ट करो अपने भाई को। स्टार्टिंग विद द ऑयलिंग टिप। देखो यार, तुम्हारी चाहे कोई सी भी स्कैल्प टाइप हो, चाहे कोई सा भी हेयर टाइप हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में तुम एटलीस्ट 2 बार हेयर मसाज करो। हेयर मसाज बेसिकली अपने बालों में ऑयल लो, हो सके तो ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेना, अपने बालों में अपने हाथों में हेयर ऑयल लो, उसको अच्छे से रब करो, उसके बाद अपने बालों में लेकर उसको अच्छे से मसाज करो, रोटेशनल मूवमेंट। मेक श्योर कि तुम्हारे जो फिंगर टिप्स है तुम्हारे स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में है। इससे होगा क्या, इससे तुम्हारी है ना स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो मतलब तुम्हारे बाल भी जल्दी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ हफ्ते में 2 बार टाइम निकालो अपने बालों में मसाज करने के लिए। दैट इज इट फॉर दिस टिप। लेफ्ट फॉर शैम्पू टिप, बात कर लेते हैं अपनी 2nd टिप के बारे में, जो कि है तुम्हारे शैम्पू एंड कंडीशनर रूटीन के बारे में। देखो है, तुम्हें अपनी स्कैल्प को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने स्कैल्प को काफ़ी दिन धोगे नहीं, तुम्हारे बाल जल्दी ग्रोंगे, तो थोड़ी सी गलत असम्पशन है। देखो, अपने बाल को धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे बाल को तुम धोगे नहीं ना, तुम्हारे बालों में सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि डर्ट पॉल्यूशन भी आएगा, जिसके कारण तुम्हारे बालों की हेयर ग्रोथ कम पड़ जाएगी। तो अपने बालों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने 1st टिप में बताया कि तुम्हें हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयल या हेयर मसाज करना है, वैसे ही तुम्हें हेयर शैम्पू भी हफ्ते में 2 बार करना है, और मोस्ट प्रोबेबली तुम उसके अगले दिन करो। यानी कि अगर तुमने ट्यूसडे रात को अपने बालों में अच्छे से मसाज करी, तो प्लीज़ वेडनेसडे की सुबह उठ के अपने बालों को अच्छे से धो लो, या फिर वेडनेसडे को ही अपने बालों में हेयर मसाज करो और उसके 1-1.5 घंटे बाद अपने बाल धो लो। रही बात कंडीशनर की, तो भाई कंडीशनर भी तुम करो। ठीक है, तो वो तुम्हारे बाल को तुम्हारे बालों में मॉइस्चर लॉक कर देता है। कंडीशनर करो, मैं रिकमेंड करूँगा तुम हफ्ते में 1 या 2 बार ही कंडीशनर करो। मोस्ट प्रोबेबली जब तुम शैम्पू करो उसके बाद ही अपने बालों में कंडीशनर कर लो। और कंडीशनर करने का भी एक सही तरीका होता है। देखो, प्लीज़ कंडीशनर को एक तो है ना अपने स्कैल्प पे मत लेके जाना, हाथों में लो कंडीशनर, इतनी अमाउंट में काफ़ी होगा। ठीक है, इतनी अमाउंट में कंडीशनर को रब करो, अपने बालों में लगाओ, बालों में लगाना, स्कैल्प पे मत लगाना, और उसको 1-1.5 मिनट रहने दो, उसके बाद अपने बाल धो लो, तुम्हारे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। तो यही थी अपनी 2nd शैम्पू एंड कंडीशनर टिप, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना है एंड हफ्ते में 1 या 2 बार तुम कंडीशनर भी कर सकते हो। कंडीशनर को भी अपने स्कैल्प में मत लगाना और 1-1.5 मिनट उसके बाद धो लेना। तो लेट्स मूव टू आवर 3rd एंड 4th टिप, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग टिप ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से बात कर लेते अपने 3rd पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं तुम्हें देने वाला हूँ 5 बफ्ड हेयर हैबिट दैट यू मस्ट अवॉइड फ्रॉम राइट हियर एंड स्टॉप इट फ्रॉम राइट हियर। बात करते हैं अपनी पहली वर्स्ट हेयर हैबिट के बारे में, जो कि है टू मच हीट। हीट इन एनी फॉर्म, लाइक वो चाहे गर्म पानी से अपने बाल धोना हो, चाहे वो धूप में ज़्यादा देर घूमना हो, या फिर हीट अप्लायंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लाइक एयर स्ट्रेटनर एंड ब्लो ड्रायर, वो तुम्हारे बालों को ख़राब कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट तुम्हारे बालों को ड्राई कर देती है, तुम्हारे बालों से वो मॉइस्चर निकाल लेती है, एंड दैट कैन कॉज यू हेयर थिनिंग एंड फाइनली हेयर फॉल। दूसरी वर्स्ट हेयर हैबिट है गीले बालों को स्टाइल करना, स्टाइलिंग वेट हेयर। देखो, जब भी तुम्हारे बाल गीले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एंड दैट कैन ईजिली भी ब्रेक डाउन। तो अपने गीले बालों को स्टाइल करना बंद करो। अब बात कर लेते हैं 3rd वर्स्ट हेयर हैबिट के बारे में, जो कि है अपने बालों में बार बार हाथ डालना। देखो, जब तुम अपने बालों में हाथ डालते हो ना, तो तुम्हारे हाथ ही गंदगी तुम्हारे माथे में चली जाती है, दैट एंड उसके कारण तुम्हारे बालों की हेयर ग्रोथ कम पड़ जाती है। एंड जब तुम अपने बालों में हाथ डालते हो ना, तो फ्रिक्शन के कारण तुम्हारे बाल टूट सकते हैं, ब्रेकेज ऑफ हेयर्स कैन बी डन। ठीक है, तो प्लीज़ अपने बालों में बार बार हाथ डालना बंद करो। एक बार स्टाइल के लिए तो फिर भूल जाओगे तुम्हारे सर पर बाल भी है, वरना तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों को बांधने के लिए। मैं भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स मूव टू आवर 4th वर्स्ट हेयर केयर हैबिट।
फोर्थ वर्ब शेयर हैबिट है कि अपने बालों में ज्यादा टेंशन डालना। अब कैसे डाल सकते तुम टेंशन? अपने बालों को टाइटली बांधने से। तुम्हारे बाल आराम से टूट सकते हैं, तो प्लीज अपने बालों में ज्यादा टेंशन डालना बंद करो। अवॉइड इट। लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ एंड द फाइनल वर्ब शेयर हैबिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ वर्ब शेयर हैबिट है जो कि अपने बालों में ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना। टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, चाहे वो ज्यादा ऑयल डालना हो, चाहे वो ज्यादा शैम्पू करना हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ही लगाना हो। अब शैम्पू एंड ऑयलिंग का तो मैंने तुम्हें शुरू के दो पॉइंट बता दिया। रही बात हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी तो हफ्ते में एक या दो बार से ज्यादा मत अपने बालों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाओ। तो यही थी फाइव वर्स्ट हेयर हैबिट्स। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू कवर आवर फाइव बेस्ट हेयर हैबिट्स। लेट्स गो, बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में जिसमें मैं तुम्हें तो बताने वाला हूँ फोर बेस्ट हेयर हैबिट्स। लेट्स गो, देखो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेस्ट हैबिट है जो कि प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। देखो जब तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तुम्हारी बॉडी में तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाते हैं एंड ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, एंड ज़्यादा ब्लड फ्लो यानी कि तुम्हारे बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्राणायाम करना शुरू करो एंड मोस्टली सुबह करना खाली पेट। लेट्स मूव टू आवर सेकंड बेस्ट हेयर हैबिट। बेस्ट हेयर हैबिट है कि मेडिटेट करना। इस चीज़ कर तो मोस्टली ना सुबह करो, मतलब सुबह मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारे स्ट्रेस लेवल कम होंगे और तुम्हारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मेडिटेशन करना भी शुरू करो। बेस्ट हेयर हैबिट है बाल व्यायाम करना, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे तुम्हारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़े। ये किसी और वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। एंड द फोर्थ बेस्ट हेयर हैबिट है कि वर्कआउट करना। अब वर्कआउट करने का हेयर के क्या रिलेशन? देखो जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारी ना सिर्फ स्कैल्प में बल्कि पूरी बॉडी में ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जिसके कारण तुम्हारे बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यार प्लीज़ वर्कआउट करना शुरू करो। मैं किसी और वीडियो में एक अच्छा सा वर्कआउट रूटीन तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो उसके तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ बेस्ट हेयर हैबिट। बेस्ट हेयर हैबिट कि अपने बालों को बार बार ट्रिम करना, यानी कि अपने बालों को रेगुलर ट्रिम करना। हर तीन से चार हफ्ते बाद अपने बालों को कटाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे तुम्हारे स्प्लिटेंड्स कट जाते हैं, एंड स्प्लिटेंड्स कट जाते हैं तुम्हारे बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। तो प्लीज़ अपने स्प्लिटेंड्स काटो। तो अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट, इस वीडियो की लास्ट टिप के बारे में जिसमें मैं तुम्हें देने वाला हूँ सम डाइट टिप्स। देखो एक अच्छी डाइट लेना तुम्हारे बालों के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। डाइट कैसे लेनी है? प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। ऐसे खाने खाओ या ऐसे फूड्स खाओ जिससे तुम्हारे बालों को प्रोटीन मिले, ठीक है? अब प्रोटीन किससे मिल सकता है? पनीर, राजमा, पल्सेस, पीनट्स, ऐसे फूड मटेरियल खाओ जिससे तुम्हारे बालों को प्रोटीन मिले। ये वीडियो में बस इतना ही। दीज आर द फाइव हेयर केयर हैबिट जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट्स में बताना, और चैनल भी सब्सक्राइब करना। डैड इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय।